हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब्स इन्फो में। दोस्तों, स्टूडियो में हम बात करें नेहरू युवा केंद्र संगठन की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर DYC, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट ACT और मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS के पदों पर भर्ती होने हैं, जिसमें जो टोटल पोस्ट है जैसे मैंने आपको बताया 228 पोस्ट हैं। तो कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन, कितनी फीस आपको पे करनी होगी, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है नेहरू युवा केंद्र संगठन है, जो कि टाइप ऑफ जॉब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों, जिसमें टोटल पोस्ट 228 है और जॉब लोकेशन एनी वेयर इन इंडिया, इंडिया में किसी भी जगह आपकी जो जॉब लग सकती है। इसके बाद इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है दोस्तों 15/12/2018 से 31/12/2018 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें वैकेंसी देख सकते हैं आप, DYC डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट है वो 101 है। सैलरी 56,100 से लेकर 1,67,500 तक दी जाएगी और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो 75 है, उसमें सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये है और मल्टी टास्किंग स्टाफ की 52 पोस्ट हैं जिसमें 18,000 से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो कैंडिडेट की जो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पीजी डिग्री, बीकॉम रिकॉग्नाइज फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और साथ में चेक एडवर्टीजमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बाकी की डिटेल आप उसकी जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद एज लिमिट की हम बात करें तो उसमें 28 साल की एज होनी चाहिए DYC ACT पोस्ट के लिए और MTS पोस्ट के लिए 25 साल की एज होनी चाहिए। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन जो उसमें दिया जाएगा दोस्तों, गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फीस 700 रुपये अनरिजर्व OBC कैटेगरी मेल के लिए और कैंडिडेट फीमेल OBC कैंडिडेट के लिए 350 रुपये रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी वालों की फीमेल जो रहेगी। उसके बाद SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस इनको पे नहीं करनी होगी। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नेहरू युवा केंद्र संगठन का, जिसमें सारी जानकारी दी हुई है दोस्तों भर्ती के बारे में। तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड करें। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। हिंदी में दोस्तों एक इंग्लिश में नोटिफिकेशन है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पर ये जो अप्लाई करने का इनका जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा दिया हुआ डाल के सबमिट करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है तो यहाँ से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ये 6 स्टेप दिए हुए हैं जिसमें बेसिक फोटो सिग्नेचर डिटेल प्रीव्यू अपलोड फोटो और पेमेंट का ऑप्शन है। तो ये सभी आपको फिल करके लास्ट ऑप्शन में पेमेंट करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये इनकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जैसे एडमिट कार्ड जारी होंगे उसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।